एट क्लाइमेटिक रीजन, अब हम चलते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। अभी हमने देखे वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, अब हम चलते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन यानी ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड, राइट। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर, थोड़े से वहां पे एटमोस्फेयर में चेंजेस हैं, अदरवाइज ओवरऑल जो है वो सारे कॉमन है उनके प्रॉपर्टीज। एक टाइप है चाइना टाइप, जो ईस्टर्न कोस्ट में चाइना है वहां पे डेवलप हुआ है, सेंट्रल और नॉर्थ चाइना में और सदर्न जापान में डेवलप हुआ है। गल्फ टाइप यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएसए में उसके अराउंड डेवलप हुआ है। और नताल टाइप जो अफ्रीका के सदर्न साउथ अफ्रीका के टिप नताल जो रीजन है वहां पे डेवलप हुआ है, प्लस ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ब्राजील वहां पे ये जो लोकेटेड है उसे नताल टाइप क्लाइमेट कहते हैं। सबसे पहले चाइना टाइप ले लेते हैं। ये जो पूरा क्लाइमेटिक टाइप है उसे वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन कहते हैं, फेमसली उसको हम चाइना टाइप कहते हैं। ये जो क्लाइमेटिक टाइप होता है उसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, कोई भी सीजन ऐसी कोई भी मंथ ऐसा होता नहीं जो कम्प्लीटली ड्राई हो, राइट। रेन थ्रू आउट द ईयर इसकी मेन प्रॉपर्टी है। अगर मैं चाइना के साइड में देखूँ तो किस तरह से यहाँ पे पूरे साल में यहाँ पे बारिश होती है, जैसे समर सीजन में हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है बिकॉज हिटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू, उसी तरह से यहाँ पे भी समर में इंटीरियर चाइना में बहुत ही ज्यादा हीटिंग होती है और इसकी वजह से हाई प्रेशर रीजन बनती लो प्रेशर सिस्टम बनती है और यहाँ पे भी इस तरह से एयर जो है चाइना की कोस्टल रीजन की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसे वो लोग साउथ ईस्ट मानसून कहते हैं और इसीलिए यहाँ पे समर सीजन में इस साउथ ईस्ट मानसून से बारिश आती है। और सीजन की बात करें जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में मैंने आगे के लेक्चर में बताया था कि साइबेरियन प्लेटू जो है, साइबेरियन बहुत ही बड़ा लैंड मास है और वहां पे विंटर सीजन में जो है हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है यानी कि विंड जो है वो डिसेंड करती है और इसीलिए वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि विंड जो है ठंडे और चिलिंग विंड अलग अलग डायरेक्शन में जो है डाइवर्ज होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है और ऐसे ही विंड चाइना की तरफ जो है वो आते हैं, हमारे इंडिया की तरफ भी आते हैं लेकिन हिमालय उसे ब्लॉक कर देता है और इसीलिए हमें वो चिलिंग इफेक्ट जो है वो महसूस नहीं होती। लेकिन जब ये चाइना की तरफ ये साउथ साइबेरियन विंड या साइबेरियन हाई प्रेशर के विंड चाइना की तरफ आते हैं तो वो ड्राई होते हैं क्योंकि वो लैंड में से आ रहे हैं, लेकिन ये विंड जब इस येलो सी से पास होते हैं, येलो सी में से वो मॉइस्चर कैप्चर करते हैं, ह्यूमिड हो जाती है एयर और इसीलिए यहाँ पे इस रीजन में वो बारिश दे पाते हैं, तो इसीलिए विंटर सीजन में भी ये रीजन जो है वो बारिश उसे मिल पाती है। उसके अलावा लेट समर सीजन में भी यहाँ पे बारिश होती है बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिसे चाइना में टाइफून्स कहते हैं, राइट। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के दौरान देखा था कि यहाँ पे जब ईस्ट चाइना सी में या साउथ चाइना सी में यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं तब उसके जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे बारिश होती है, तो यहाँ पे लेट समर सीजन में भी इस रीजन में बारिश होगी, राइट। तो इस तरह देख सकते हैं पूरे ईयर अराउंड यहाँ पे बारिश होती रहती है। गल्फ टाइप यानी कि यहाँ पे यूएसए के अराउंड जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसके अराउंड ये गल्फ टाइप यानी कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जो क्लाइमेट है वो डेवलप हुआ है। यहाँ पे भी एक्चुअली ये हुआ है कि यहाँ पे हमने देखा था ओशन करंट जो है गल्फ स्ट्रीम यहाँ से पास होता है और हमें पता है कि गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशन करंट है और इसीलिए इस पूरे कोस्ट को वो वार्मिंग इफेक्ट देता है। यहाँ की पूरी ह्यूमिडिटी एयर की ज्यादा होती है, जो सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर जो होगा ओशन का वो भी यहाँ पे ज्यादा होगा, राइट। यहाँ पे एनुअल जो बारिश आएगी वो यहाँ से ऑनशोर विंड से बारिश आएगी, इसलिए यहाँ पे समर सीजन में भी बारिश होगी। यहाँ पे एक सिटी है न्यू ऑर्लियंस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटी है फॉर द फर्टिलाइजर, मैंने बताया था गल्फ ऑफ मैक्सिको इज नोन फॉर इट्स सल्फर डिपॉजिट, तो उसके बेस पे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। गल्फ टाइम में कैसे किस तरह से बारिश आएगी, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे समर सीजन में कैसे बारिश आएगी, हमें देखा था कि एयर मासेस इस रीजन में डेवलप हुए होते हैं, इस तरह से एयर मासेस जो है अलग अलग जगह पे नॉर्थ अमेरिका पे लोकेटेड है। जब समर सीजन होता है तब ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल एक एयर मास जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, हीटिंग है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम पास हो रहा है, बहुत ही ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर बन जाएगा, इसलिए पूरा एयर मास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा और ये पूरी तरह से इनस्टेबल होके इस तरह यहाँ पे नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा और वहां पे जो भी कोल्ड एयर मासेस लोकेटेड है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा और इसके लिए यहाँ पे फ्रंटल साइक्लोन्स हमने देखे थे, इस तरह से यहाँ पे फ्रंटल थंडरस्टॉर्म डेवलप होंगे। जब हमने थंडरस्टॉर्म देखा था तब उसकी टाइप देखी थी,
सॉरी फ्रंटल थंडरस्टॉर्म, तो फ्रंट्स डेवलप होने के बाद यानी एयरमासेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, इस वार्म एयरमास का फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होगा और यहाँ पे थंडरस्टॉर्म की तरह हैवी बारिश होगी। तो इस तरह से समर सीजन में इस रीजन में, गल्फ टाइप रीजन में भी समर सीजन में इस तरह से बारिश होगी। लेट समर में हमें पता है यहाँ पे आएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट, जिसे नॉर्थ अमेरिका में हुरिकेन्स कहते हैं। तो लेट समर में भी यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन से बारिश आएगी। विंटर सीजन में हम देख चुके हैं टेम्परेट साइक्लोन्स या फ्रंटल साइक्लोन्स जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तो विंटर सीजन में यहाँ पे बारिश आएगी बिकॉज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। तो इस तरह से ये रीजन पूरे साल बारिश जो है उसे रिसीव होता है, मिलता रहता है। नताल टाइप यानी साउथ अफ्रीका का नताल रीजन, बहुत ही छोटा सा रीजन है ये, इसे ज्यादा यहाँ पे जो पूरा एटमोसफियर क्लाइमेट जो डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन बिकॉज ये कोस्टल रीजन है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है और जो ऑनशोर विंड्स है उससे पूरे साल जो है यहाँ पे बारिश आती रहती है। इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पे डर्बन। अभी आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका में हम देखेंगे मेडिटेरियन क्लाइमेट था, राइट, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड भी थे, फेल्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नताल टाइप क्लाइमेट भी है। आगे हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी है। अब इस क्लाइमेट से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, राइट, लेकिन इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी बनने के बाद ब्रिटिशर्स 1947 के बाद चले गए, लेकिन ये कॉलोनी के आजाद होने के बाद भी यहाँ पे आज भी बहुत ही ज्यादा नंबर्स में ब्रिटिश पॉपुलेशन जो है पाई जाती है। इसका ये रीजन ये है कि यहाँ का क्लाइमेट, हमारा क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, बहुत ही ज्यादा हीट है, लेकिन यहाँ पे जैसा यूरोप में क्लाइमेट है वैसा यहाँ पे उनको क्लाइमेट मिल जाता है। इन द ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट अगर हम देखें यहाँ पे मिलता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड भी है, और इसी की वजह से यहाँ पे इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिश पॉपुलेशन यहाँ पे अभी भी रहती है। वेजिटेशन अगर हम इस रीजन का देखें, चाइना टाइप रीजन, हमने देखा कि पूरे साल बारिश होती है, वार्म रीजन है तो इसलिए इसकी ग्रोइंग सीजन भी बहुत ही ज्यादा होगी। एवर ग्रीन टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। चाइना में ज्यादातर इस तरह के बाम्बू फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पाइन और बाम्बूज। एवर ग्रीन वेजिटेशन होती है यहाँ पे, ग्रासेस, फर्न्स, पाम्स और बाम्बूज पाए जाते हैं। चाइना में एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी बहुत ही इंटेंसिवली एग्रीकल्चर होता है, रेनफॉल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए राइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, राइट। सेरीकल्चर, चाइना में सेरीकल्चर यानी सिल्क प्रोडक्शन भी होता है, सोयाबीन कल्टिवेशन भी होता है यहाँ पर। चाइना के अगर आप मैप देखें तो यांगत्से रिवर, हमने जब रिवर देखा था तब देखी थी यांगत्से रिवर, उसके पास हमने सिजुआन बेसिन देखा था जो राइस बॉल ऑफ चाइना था, तो ये पूरा रीजन जो है वो चाइना टाइप रीजन में आता है। उसके बाद एक और छोटी सी रिवर है नियर हांगकांग, सिक्यांग रिवर, वो भी इस पूरे क्लाइमेट चाइना टाइप क्लाइमेट के अंडर में आती है, इसलिए यहाँ पे भी राइस कल्टिवेशन उस रिवर के अराउंड, सिक्यांग और यांगत्से दोनों रिवर के अराउंड राइस कल्टिवेशन और सेरीकल्चर जो है वो मेन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। गल्फ टाइप पे एग्रीकल्चर यानी कि यूएसए में इस रीजन में किस तरह का एग्रीकल्चर होता है, यूएसए में हमने देखा वैसे भी यहाँ पे जो है फार्म लैंड की साइज बहुत ही ज्यादा होती है, हाईली मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है। यूएसए में ये रीजन जो है कॉटन कल्टिवेशन के लिए बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि कॉटन के कल्टिवेशन के लिए ड्राई एटमोसफियर चाहिए। अगर कॉटन का जो बॉल है वो अगर डेवलप हो जाए और उसके बाद बारिश आए तो पूरा क्रॉप जो है जो डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से इसे 200 फोर्स फ्री डेज कॉटन को चाहिए होता है, और वैसा ही क्लाइमेट यूएसए के इस रीजन में कॉटन को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे टोबैको बहुत ही फेमस क्रॉप है, यहाँ पे यूएसए में एक स्टेट है वर्जीनिया स्टेट, और इसकी वजह से उसका टोबैको, वर्जीनिया टोबैको इज वेरी फेमस। तो पूरा जो गल्फ टाइप जो यूएसए में डेवलप है उसके मेन क्रॉप्स है कॉटन एंड टोबैको। इस तरह से हम देखें चाइना की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इस रीजन में राइस, टी, कॉटन, मेज या मलबरी यानी कि सिल्क प्रोडक्शन होता है। नताल में अगर हम देखें अफ्रीका रीजन में शुगर कैन प्लांटेशन होता है वहां पे, साउथ अमेरिका में उसी रीजन में कॉफी और मेज होती है, और यूएसए में देखा जैसे कॉटन और टोबैको वहां पे कल्टिवेट होता है, राइट। तो इस तरह से ये जो चाइना टाइप क्लाइमेट है, रेनफॉल पूरे साल होती है, इसे एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डेवलप हुआ है। अब देखते हैं कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, और थोड़े हम हायर लैटिट्यूड की तरफ चलते हैं और पकड़ते हैं वेस्टर्न कोस्ट को। इस रीजन को फेमसली ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कहते हैं।
यहाँ ये डेवलप हुआ है अराउंड ब्रिटिश नॉर्दर्न जर्मनी नॉर्वे इस रीजन के अराउंड डेवलप हुआ है, प्लस वेस्टर्न कनाडा में यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड है वहां पे डेवलप हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में तांजमानिया एक नीचे एक छोटा सा आइलैंड है और न्यूजीलैंड और सदर्न चिली पे डेवलप हुआ है। ये क्लाइमेट अफ्रीका में नहीं पाया जाता क्योंकि अफ्रीका में इस लैटिट्यूड पर लैंड ही नहीं है, तो इसलिए ये क्लाइमेट अफ्रीका में डेवलप नहीं हुआ है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को कहा जाता है कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट है क्योंकि बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट है, कूल वेट पूरे साल बारिश होती है, बहुत ही ज्यादा ठंड नहीं होती, बहुत ही ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, सो इसलिए वैसे बेस्ट क्लाइमेट कहा जाता है। वार्म करंट यहाँ से अगर हम पूरा मैप भी देखें तो इन सारे रीजन में से यानी कि कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन में से देखें तो सारी जगहों में से वार्म करंट पास होते होंगे। देखिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पास होता है राइट, यहाँ से नीचे कैलिफोर्नियन करंट जो है वार्म करंट पास होता है, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वार्म करंट पास होता है, यहाँ पे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट पास होता है, तो इसलिए सारे रीजन के अराउंड वार्म करंट पास होता है, इसलिए यहाँ पे वार्मिंग इफेक्ट बढ़ी रहती है राइट। एनुअल टेम्परेचर इसलिए छोटी है कम है यानी कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस है बहुत ही कम है। ब्रिटिश टाइप जो क्लाइमेट है उसे रेनफॉल वेस्टर्लीज से आता है, जो वेस्टर्लीज विंड्स नॉर्थ एंड साउथ पास होते हैं, ये सारे जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है और इसीलिए वेस्टर्लीज जब वेस्ट टू ईस्ट पास होती है तो सारे इस वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ही अच्छी सी बारिश होती है राइट। और विंड ये समर सीजन में होता है और विंटर सीजन में टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट पास होंगे और इसकी वजह से यहाँ पे विंटर सीजन में टेम्परेट साइक्लोन से बारिश होगी, तो इसीलिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में भी पूरे साल विंटर सीजन में और समर सीजन में दोनों ही सीजन में यहाँ पे बारिश होगी। इसीलिए ब्रिटिश टाइप का जो वेजिटेशन है वो एवरग्रीन वेजिटेशन कह सकते हैं, वो ट्रीज की हाइट बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही टॉल ट्रीज होती है, उनकी कैनोपीज भी बहुत ही ज्यादा होती है राइट। सॉफ्टवुड ट्रीज है ये, यानी कि वुड कटिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस हो सकती है, यूजफुल हो सकती है, प्लस ये जो ट्रीज होते हैं वो ग्रिगारियस ट्रीज कह सकते हैं, यानी कि एक स्पीसीज अगर हम कल्टीवेट करें तो उसके सराउंडिंग उसी स्पीसीज के ट्रीज जो है वो कल्टीवेट होती जाएगी, यानी कि ऐसी स्पीसी को सोशल स्पीसीज कहते हैं राइट, वो हमेशा एक साथ ही पाई जाती, कोई एक ट्री जैसे हम इक्वेडोरियल रेन फॉरेस्ट में देखा कि बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि बड़े से लैंड में एक ही तरह की स्पीसीज जो है वो पाई जाती है राइट। जैसे ओक एल्म बर्च ये सारी स्पीसीज अगर हम देखें तो ग्रिगारियस स्पीसीज हैं, बहुत ही बड़े से लैंड में एक ही तरह की स्पीसीज पाई जाएगी। इसलिए इस सारे रीजन में डेवलप हुए सबसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है लुम्बरिंग एक्टिविटी, लुम्बरिंग यानी वुड कटिंग इंडस्ट्री। कनाडा का जो वैंकूवर आइलैंड है वो इस लुम्बरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे जो लुम्बरिंग होती है वो काफी सिस्टमैटिक होती है, यानी कि विंटर सीजन में ये जो लोग होते हैं जो वुड कटिंग करते हैं उन्हें लुम्बर जैक्स कहते हैं। ये लुम्बर जैक्स क्या करते हैं, विंटर सीजन में इन फॉरेस्ट की तरफ वो जो है माइग्रेट करते हैं, वहां पे उस टाइम पे विंटर में स्नो कवर्ड एरिया होता है राइट, तो फिर उन्हें वहां पे जाके उन्हें कट करते हैं, कट करने के बाद उस वुड लॉक्स को वो वहां के जो फ्रोजन स्ट्रीम हो चुके वहां पे जाके उसको रख देंगे इस तरह से, और जब ये स्ट्रीम समर सीजन में मेल्ट हो जाएगी तब ये डाउन स्ट्रीम उसके पानी के साथ सारे वुड लॉक्स भी नीचे फ्लोट करते आ जाएंगे और वहां पे कोस्टल साइड पर ही वुड कटिंग इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेटेड होती है और वहां पे उनको ये वुड लॉक्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे सिस्टमेटिक इसलिए भी है क्योंकि जो भी ट्रीज जो कटिंग करनी होती है पहले तो वहां पे जो भी स्पीसीज है उनकी सारे ट्रीज की एज वो लोग फाइंड करते हैं, एज फाइंड करने के बाद वहां पे टैग लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है कि कुछ ट्रीज को इतनी एज के बाद ही कट करना है, तो इसी तरह से वो ट्री की एज हो जाए उसी के बाद उसे कट किया जाता है, जितनी ट्रीज कटिंग की जाती है उतना ही उनका प्लांटेशन भी किया जाता है और इसीलिए ये पूरी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक सस्टेनेबल एक्टिविटी बन जाती है, जितनी कटिंग होती है उतनी वहां पे प्लांटेशन भी होगा। तो इस तरह से यहाँ ब्रिटिश टाइप जो क्लाइमेट होता है इस तरह यहाँ लुम्बरिंग एक्टिविटी डेवलप हुई है, क्योंकि ये जो सारे ट्रीज हमने पहले भी देखा सॉफ्टवुड ट्रीज है तो फर्नीचर और पेपर मेकिंग के लिए काम आती है और ये एक ही तरह की स्पीसीज पूरे रीजन में पाई जाती है और काफी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होती है, वैसी नहीं होती तो बहुत ही इजीली यहाँ पे वुड कटिंग डेवलप हुई है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में जो एग्रीकल्चर होता है वो हमारे मानसून रीजन में या चाइना टाइप में जो जिस तरीके के हम
ग्रेन्स यानी कि वीट राइस ये सब प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर यहाँ पे फ्रूट या वेजिटेशन वेजिटेबल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इसीलिए ऐसे एग्रीकल्चर को मार्केट गार्डनिंग कहते हैं, यानी कि सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स का कल्टिवेशन होना। तो ब्रिटिश टाइप के जो क्लाइमेट है वहां पे जनरली इस तरह के की फ्रूट और वेजिटेबल यानी मार्केट गार्डनिंग की एक्टिविटी होती है। टास्मानिया आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का, इट इज फेमस फॉर एप्पल कल्टिवेशन। नाउ टेंथ जो है हमारा क्लाइमेटिक रीजन जिसे कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन कहते हैं। हमने अभी कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन देखा, अब देखे कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। ये जो लाइट ब्लू कलर यहाँ पे आप सॉरी ग्रीन कलर ये आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन है कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। यहाँ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे एशिया में ये सिर्फ दो ही रीजन में ये डेवलप हुआ है, राइट। यूएसए में जो डेवलप हुआ है वहां पे लॉरेंशियल प्लेटू लोकेटेड है, इसीलिए इस पूरे क्लाइमेट को लॉरेंशियन टाइप भी कहते हैं। न्यू इंग्लैंड स्टेट है यहाँ पे लोकेटेड। चाइना में मंचूरियन रीजन में लोकेटेड है, थोड़ा सा साउथ रशिया में और नॉर्थ जापान में भी ये पूरा जो है वो बना हुआ है। लॉरेंशियन टाइप सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा लैंडमास ऐसी लैटिट्यूड पे साउथ हेमिस्फेयर जो है लैंडमास ही नहीं है, राइट। नॉर्थ अमेरिका में जो लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट बना हुआ है उसके लिए हम चलते हैं। ये भी क्लाइमेटिक टाइप में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है, राइट। पहले चलते हैं लॉरेंशियन क्लाइमेट यानी लॉरेंशियन रीजन। यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है ग्रेट लेक्स और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, इस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए को न्यू इंग्लैंड स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका या यूएसए है हमें पता है कि बहुत सारी यूरोपियन कम्युनिटीज ने आकर यहाँ पे माइग्रेट किया था और हैबिटेशन उन्होंने डेवलप की थी। तो जो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी, और इसीलिए ये रीजन को न्यू इंग्लैंड स्टेट्स कहते हैं, राइट। ये जो रीजन है वो यूएसए का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो मैसाचुसेट्स, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, ये सारी सिटीज इस रीजन में लोकेटेड है, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो दे आर द ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, बहुत ही बड़े 5 लेक्स हैं यूएसए के। ऊपर का लेक्स सुपीरियर लेक, सुपीरियर ये लेक मिशिगन, लेक हीरोन, लेक एरी, लेक ऑन्ट्रांटियो, ये 5 लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली क्लाइमेटिकली यूएसए में। उसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखेंगे उसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम सिर्फ उसका एक इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इस रीजन में जो बारिश आती है यहाँ से वेस्टर्लीज बारिश आती है। अब ये ईस्टर्न कोस्ट में है, वेस्टर्लीज यहाँ पे बारिश नहीं ला पाएगी, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट टू ईस्ट जब भी मूव करेगी तो वहां पे पूरा मॉइस्चर उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वेस्टर्लीज इस ग्रेट लेक्स से पास होती है, इस ग्रेट लेक्स का जो पानी है उससे ये विंड्स मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी की वजह से इस ग्रेट लेक्स के मिलने वाली मॉइस्चर की वजह से इस रीजन को बारिश मिल पाती है। सो दिट इज द वन इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स, राइट। ये समर सीजन में इस तरह से इस न्यू इंग्लैंड स्टेट को बारिश मिलती है। विंटर सीजन में यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है वो उसको जो है उसकी सरफेस टेम्परेचर को यहाँ पे गर्म करती है। समर सीजन में बहुत ही ज्यादा हीटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर हो जाती है, और ईस्टर्लीज विंड के जब ये अंडर में आते हैं पोलर ईस्टर्लीज, तब इसलिए वहां पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में भी जब जाते हैं विंड्स, तभी इसलिए विंटर सीजन में भी यहाँ पे बारिश होती है। तो इसलिए दोनों सीजन में लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट इन यूएसए बारिश होती है, लॉरेंशियन टाइप इन चाइना। चाइना के दोनों ही रीजन जो है वो लॉरेंशियन टाइप, दोनों ही रीजन जो है वहां पे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट डेवलप है, राइट। समर में इंटेंस हीटिंग यहाँ पर होती है इंटीरियर ऑफ द लैंड, और यहाँ पे जो है विंड इससे से कोस्ट टू लैंड पास होते हैं, और इससे समर सीजन में भी यहाँ पे बारिश होती है। विंटर सीजन में जैसे हमने देखा कि साइबेरियन प्लेटू में जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन और डाइवर्जिंग विंड जो है पास होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो भी माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है तो ये साइबेरियन विंड्स जो आते हैं वो माउंटेन विंड्स के साथ में ऑरोग्राफिक रेनफॉल ही दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ड्राई विंड्स होते हैं, प्लस यहाँ पे जो कंडीशन है इसकी वजह से बहुत ही चिलिंग विंड होती है, इससे यहाँ पे स्नोफॉल होता है। विंटर सीजन बहुत ही कम रेनफॉल होता है, जनरली ये स्नोफॉल होता है, राइट। जो हमने देखा कि यूएसए में जिस तरह की अमाउंट में बारिश होती है विंटर सीजन में, वैसे यहाँ पे बारिश नहीं होती, उनकी कंपेयर में यहाँ पे कम विंटर सीजन में बारिश होती है। जापान का थोड़ा सा क्लाइमेट देख ले, जापान का क्लाइमेट बहुत ही यूनिक है, उसको कहीं से भी बारिश कहीं से भी विंड्स आए उसको बारिश मिल जाती है। अगर हम समर सीजन में देखें जो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम यहाँ इनलैंड में बना है, राइट, जो साउथ ईस्ट मानसून हमने देखे थे वो
विंड भी जहां से यहां से पास होते हैं तभी भी इसके जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे उसको बारिश देंगे राइट। विंटर सीजन में भी जनवरी में अगर हम जापान में देखें तो इंटीरियर साइबेरियन प्लेटो से आने वाले विंड्स भी जो ड्राई विंड्स हैं वो लेकिन आएंगे तब सी ऑफ जापान से पास हो गए और वहां से मॉइस्चर वो जो है एब्जॉर्ब करके जापान की वेस्टर्न कोस्ट में बारिश देंगे। यानी जापान जो है आइलैंड दोनों ही तरफ उसके वहां पे सी लोकेटेड है और इसकी वजह से इस साइड से भी विंड आए वेस्टर्न साइड से तो भी उसका बारिश होगी, इस साइड से विंड आए ईस्टर्न साइड से तो भी वहां से बारिश होगी राइट। इसलिए देख सकते हैं कि जापान जो है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन जापान का प्रॉब्लम यह है कि उसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। पूरा जो जापान है मोस्टली वॉल्केनिक जो है माउंटेन रेंजेस का बना हुआ है, उसके पास प्लेन जो है वो नहीं, उसकी वजह से एग्रीकल्चर भी वहां पे डेवलप नहीं हो पाया है। और इसलिए वहां पे रिलीजियस रीजन भी है और नेचुरल रीजन भी है और इसलिए उनका डाइट में सबसे ज्यादा फिश जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द वेजिटेबल्स राइट। लॉरेंशियन टाइप का वेजिटेशन, ये वेजिटेशन जो है कॉनिफेरस जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। लुम्बेरिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डेवलप हुए क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्टवुड ट्रीज है। स्पीसीज है ओक, बर्च, बीच, मैपल राइट। मैपल ट्रीज का अगर मैं बताऊं तो उसका लीफ कनाडा के फ्लैग पर बना हुआ है। मैपल के ट्रीज से सिरप भी बनाया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज फॉर दिस एरिया। तो ओक, बीच, बर्च, बीच, मैपल ट्रीज। यहाँ पे एग्रीकल्चर में पोटेटोज कल्टीवेट किए जाते हैं, ओट्स, बार्ले। चाइना में सोयाबीन जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। नोवा स्कोटिया, जब हमने बे ऑफ फंडी देखा था तब हमने नोवा स्कोटिया देखा था, बे ऑफ फंडी जिसकी टाइडल रेंज सबसे ज्यादा है, तो बे ऑफ फंडी के अराउंड एक नोवा स्कोटिया रीजन है, वहां पे एप्पल कल्टीवेशन वहां पे फेमस है। लॉरेंशियन टाइप की और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फिशिंग। टेम्परेट रीजन से फिशिंग से ट्रॉपिकल रीजन की फिशिंग से अलग होती है। जैसे हमने देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर हम चाहें तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है, एक स्क्वायर किलोमीटर अगर हम देखें तो ट्रीज की बहुत ज्यादा स्पीसीज हमें नजर आएगी। ऐसा ही ट्रॉपिकल की फिशिंग में और टेम्परेट की फिशिंग में भी होता है। ट्रॉपिकल रीजन में अगर फिशिंग की जाए तो अगर एक ही नेट अगर हम डालें तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अलग अलग फिशेज की फिश हमें बाहर मिलेगी। लेकिन टेम्परेट रीजन में होता है कि कुछ फिशेज की स्पीसीज जैसे कि कोल्ड मैकरल, ट्यूना, सालमन, इन सारे फिशेज जो है वो सोल यानी बड़े बड़े लार्ज ग्रुप्स में ट्रैवल करती हैं राइट। उनका बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, वो एक साथ नीचे जो है वो फ्लोट करता है, स्विम करता है और इसकी वजह से जब यहाँ पे फिशिंग की जाती है तो बड़ा सा सोल जो है एक ही साथ एक ही स्पीसीज की फिशेज उनको मिल जाती है। इट इज वेरी इकोनॉमिकल राइट, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन में एक ही स्पीसीज मिलती है तो ट्रेडिंग भी बहुत ही ईजी होता है और इसीलिए ये जो रीजन है वहां पे फिशिंग बहुत ही ज्यादा डेवलप हुई है। और यहाँ की जो फिशिंग है इट्स वेरी मेकेनाइज्ड, वेरी सोफिस्टिकेटेड फिशिंग होती है। डीप सी फिशिंग भी की जाती है जो इंडिया में अभी तक नहीं डेवलप हो पाई। गवर्नमेंट ट्राई करे कि हमारे रीजन में भी डीप सी फिशिंग भी इस तरह से डेवलप हो, मेकेनाइज फिशिंग हमारे इंडिया में डेवलप हो राइट। तो हमें यहाँ की जो फिशिंग है सोफिस्टिकेटेड फिशिंग वैसी हमें डेवलप करनी है। यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड आइलैंड मैंने कनाडा में बताया था कि वहां पे वैसे भी कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं तो वहां पे वैसे भी फिशिंग बहुत अच्छा ग्राउंड है और इसीलिए सेंट जॉन पोर्ट है न्यूफाउंडलैंड के पास, इट्स फेमस फॉर इट्स फिशिंग। उसके बाद सेकेंड लास्ट क्लाइमेटिक रीजन टाइगा रीजन। टाइगा रीजन आप देख सकते हैं सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेवलप है राइट। यहाँ पे साइबेरिया है, यहाँ पे अलास्का एंड नॉर्दर्न कैनेडा यहाँ पे ये लोकेटेड है। यूरोप में यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे लोकेटेड है। वेरी कोल्ड विंटर्स राइट, वार्म समर्स। मैं देखा था कि कनाडा में से आती हुई जो विंड्स हैं लोकल विंड्स में देखा था कि उन्हें कहते हैं ब्लिजर्स राइट। और साइबेरिया में से जो हाई प्रेशर सिस्टम यानी विंटर सीजन में जो विंड डाइवर्जिंग विंड मिलती है उसे बुरान कहते हैं, मैंने लोकल विंड्स में देख लिया था। बहुत ही हाई टेम्परेचर एनुअल टेम्परेचर रेंज यानी कि विंटर सीजन में बहुत ही कम टेम्परेचर राइट, और वार्म होते हैं समर, बहुत ही इतने भी ज्यादा हॉट जो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बन पाता, यहाँ पे एनुअल रेंज इसलिए हाई रहती है। टाइगा का वेजिटेशन कॉनिफर्स फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा हाई लैटिट्यूड पे है, इतनी ज्यादा यहाँ पे बारिश नहीं होती, वार्म टेम्परेचर नहीं मिलता जो वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसलिए ट्रीज की जो ग्रोथ है बहुत ही कम है। ग्रासेस और ट्रीज इस तरह से मिक्स जो है यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है। बारिश जो भी थोड़ी बहुत होगी वो टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होगी राइट। एवरग्रीन कॉनिफर्स फॉरेस्ट, जूनिपर, स्प्रूश, बर्च, सॉफ्टवुड ट्रीज है
राइट, जो हमारे इस तरह के इस तरह की वेजिटेशन हमारे हिमालयस भी पाई जाती है, कॉनिफर्स फॉरेस्ट, ये सारी ट्रीज जो है वो पाई जाती है। टाइगर रीजन के कुछ अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, फॉर बियरिंग एनिमल्स, क्योंकि उस जो है विंटर को कूल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर को वो सर्वाइव कर पाए। ऐसी स्पीसीज है मस्करेट, मिंक, सिल्वर फॉक्स। ये फोटो जो है वो मिंक नाम के एनिमल का है। टाइगर रीजन में लिमिटेड इकोनॉमिकल प्रॉस्पेक्ट होते हैं, राइट, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हार्ड रहता है। जब विंटर सीजन आते बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है, तो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए कम है, एग्रीकल्चर के लिए भी वहां पे बहुत ही ज्यादा कम प्रॉस्पेक्ट है। तो इसीलिए टाइगर रीजन में खास इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई है नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम होती है। उसके बाद लास्ट क्लाइमेटिक रीजन है टुंड्रा रीजन, लाइट ब्लू कलर में जो है। आर्कटिक या पोलार क्लाइमेट है यहाँ पे, राइट, 6 महीने यहाँ पे जो है सनलाइट, 6 महीने यहाँ पे सनसेट होता है, यानी 6 महीने समर, 6 महीने विंटर। एंड ये जो है नदन कैनेडा में और यहाँ पे नदन रशिया में डेवलप हुआ है। पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट है ये। पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट होना यानी कि जब ग्लेशियर होता है, जब पूरे साल इतने 6 महीने या 8 महीने जब लैंड के ऊपर वो जमा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से नीचे का जो लैंड है, लैंड के अंदर पे भी जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उसका मॉइस्चर हो जाता है, वो मॉइस्चर भी वो फ्रोजन हो जाता है, यानी जो लैंड है वो भी अराउंड आइस की तरह फ्रोजन हो जाती है। और जब समर सीजन होता है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, यानी कि वहां पे ऊपर ग्लेशियर जो मेल्ट हो जाएगा, तो लैंड के अंदर भी जो वाटर के मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसका भी जो है मेल्टिंग हो जाएगा। और इसीलिए इस लैंड में अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो ये होगा कि वहां पे विंटर सीजन में तो कंस्ट्रक्शन बना रहेगा, लेकिन जब समर सीजन आएगी और उसके अंदर के लैंड के अंदर का जो भी वाटर ड्रॉपलेट उसका मेल्टिंग होगा, आइस क्रिस्टल का मेल्टिंग होगा, तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन नीचे गिर जाएगा, बिकॉज वो लैंड पूरा सैग हो जाएगा। तो ऐसे तरीके के जो क्लाइमेट उसे पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट कहते हैं। फ्रीजिंग विंटर्स, बहुत ही कम टेम्परेचर विंटर सीजन में होता है। थॉइंग सीजन है कि सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर राइज जो है वो समर सीजन में होता है। समर वेरी शॉर्ट, इट्स कूल, नॉट इवन वार्म। इसलिए जो वेजिटेशन है बहुत ही छोटे छोटे वेजिटेशन, ग्रासेस, मोसीज और लिंचेस यानी अलगाई और फंगाई टाइप के वेजिटेशन सिर्फ समर के शॉर्ट पीरियड में पाए जाते हैं, और कुछ प्लांट्स एफीमेरल प्लांट्स तो सिर्फ टेम्पररी समर सीजन में दिखते हैं। इस तरह से ये प्लांट्स दिखते हैं, मोसीज, लिंचेस, फ्लावरिंग प्लांट्स। इस रीजन में कुछ एबोरिजिनस यानी कि कुछ प्रिमिटिव कम्युनिटीज जो है वो रहती है। कैनेडा में इस कम्युनिटी को इन्यूइट्स कहते हैं, और एक है एल्यूशियन, एल्यूशियन आइलैंड्स हमने देखे थे, राइट, तो एल्यूशियन आइलैंड्स पे ये एबोरिजिनस रहते हैं। एल्यूशियंस रशिया में रहते हैं, चुकचीज एंड बुरियस, राइट, बैकाल लेक के पास, नॉर्वे, फिनलैंड में यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पास में रहते हैं लैप्स। ये सारे नोमैडिक हर्डर्स हैं, राइट, सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं कहते, नोमैडिक उनका जो पूरी लाइफ है। नाउ आई विल स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी, छोटा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मे बी 10 मिनट्स ओनली।